तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करेंगे हाउ कैन जूम द चार्ट। तो एक्चुअली वो जूम नहीं होगा, बट जूम जैसा दिखना चाहिए कि चार्ट को जूम कैसे करते हैं। तो उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है मैं बताता हूं। पहले तरीके के लिए मैं आपको जाना होगा इंसर्ट, और यहां टेक्स्ट में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में आइए और यहां से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओके कर दें। लेकिन क्या है, ये जो है चीज स्लो चलती है थोड़ी सी, याद रखिए। ये जूम का सिस्टम जो है क्लिक करते नहीं आते, क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड्स का टाइम लेता है। इसको यहां से कट किया, प्रेजेंटेशन ऑब्जेक्ट एडिट। ये पावर पॉइंट के जैसा हो जाता है, इसको मैंने बड़ा कर दिया। ठीक है सर, अब इसको जहां मूव करना है मूव कर दीजिए। अब इस पर जैसे आप डबल क्लिक करोगे, ये आपका फुल स्क्रीन बन जाएगा। समझे सर? आया समझ में? जी सर। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि ये पावर पॉइंट के लेके चलता है, तो आपको इस पे जो वेब एप्लीकेशन है उस पे वर्क नहीं करेगा, और जब डबल क्लिक करेंगे तो कुछ सेकंड का टाइम लेगा। सो ये कारगर तो है, दूसरी चीज है कि हमें जूम करके ही देखना पड़ेगा, नॉर्मल नहीं दिख रहा है। नॉर्मल दिख रहा है सर कि यहाँ नीचे क्या है, वैल्यू क्या है? नहीं दिख रहा है। सो मुझे क्या करना है कि नहीं, होना तो चाहिए एक्सेल का फीचर्स बट जूम कर सके। तो उसके लिए बहुत सारे थ्योरम होंगे पता नहीं, लेकिन मैं एक बेसिक सा कंसेप्ट यहां यूज करने वाला हूं। देखिए, मैं यहां पे दो शीट लूंगा, दो शीट लिया ओके, और फिर इसको आगे की तरफ हाइड कर देता हूं। इसको राइट क्लिक करके हाइड कर दिया, एक को रहने दीजिए, इसको हाइड करने की जरूरत नहीं है, बट इसको भी हाइड किया जा सकता है। लेकिन दूसरे सीट पे आता हूं, इसको पेस्ट करता हूं, इसको बड़ा कर देता हूं, बड़ा हो गया, और इसको जो है सेलेक्ट करके मैं हाइड कर देता हूं। नीचे रो है उसको भी हाइड कर देता हूं। एक विंडो की व्यू पे आ गया, और इसको जितना बड़ा डेटा है हमारा उसी के हिसाब से इसको मैं बड़ा कर देता हूं, बड़ा हो गया। फिर पेज पेज इसमें पेज लेआउट में आता हूं, और गिडलाइन को अनचेक कर दिया, हेडिंग को भी अनचेक कर दिया, हेडिंग भी नहीं दिखेगा। ठीक है, अब मैं इस चार्ट को राइट क्लिक करके हाइपरलिंक पे आता हूं। यहां से राइट क्लिक करने में नहीं आता, यहां इंसर्ट में आपको हाइपरलिंक दिखेगा, हाइपरलिंक, और इस हाइपरलिंक में बुकमार्क में मैं सीट थ्री को सिलेक्ट कर लेता हूं, ओके। और एक है A1 पे है, तो मैं यहां भी इसको सिलेक्ट करता हूं, और इसको इस पे भी मैं हाइपरलिंक लगा देता हूं, इसमें भी बुक मार्क में मैं सीट टू को सेलेक्ट कर लेता हूं एंड ओके। अब जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, इस पे क्लिक किया आ गया। ठीक है, अब यहां दिख रहा है सर? हेलो जी सर। जी सर, है ना कमाल की चीज, दिस सिंपल।
अब इसे नीचे सीट नेम को भी अगर हाइड कर दे ऑप्शन में जाके तो बिल्कुल जूम की तरह लगेगा। अब यहाँ से सीट से सिर्फ पता चलता है कि ये हाईलाइट हुआ, फिर भी उतना नहीं पड़ता चलता है, लेकिन हाँ पता चल रहा है। समझे सर? तो सर ये सीट थ्री में जाके जूम हो रहा है ना? जैसे क्या मैंने एक सिंपल से क्या किया होता है, एक सीट पे मैंने रखा हुआ है छोटा हेड, दूसरी सीट में उसी चार्ट को बड़ा कर दिया है, उसके अलावा जो हेडिंग वेडिंग है जो एक्स्ट्रा जो सीट के जो पार्ट थे जो सीट उसको हाइड कर दिया हुआ है, मतलब कि सीट थ्री पे ये चार्ट के अलावा कुछ और नहीं दिखेगा। राइट, फिर मैंने इसको लिंक कर दिया इस सीट से और इसको लिंक कर दिया इस सीट को, दोनों को आपस में लिंक कर दिया हुआ है हाइपरलिंक की मदद से। सही। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं तो क्या होता है, सीट थ्री को प्रेजेंट कर देता है, वापस इस पे क्लिक करता हूं तो वापस आ जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर हम अगर यहाँ पर डेटा चेंज कर देंगे अपना इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे है, या डेटा तो यहाँ पर है कि अगर आप यहाँ चेंज कर दे, जैसे मान लीजिए कि मैं मार्च में 95 कर दिया तो यहाँ आपका 95 हो गया ना। सही सही, यहाँ भी आपका 95 हो जाएगा। सही, ठीक है, कंट्रोल वहां से होगा वो, ठीक है। और जूम की तरह ये आपको बिहेव कराएगा। समझ गए? जी सर। देखिए ये जो एग्जांपल मैंने बताया, हालांकि ऐसी एग्जांपल बताने लायक नहीं है क्योंकि इसमें कुछ किया ही नहीं मैंने क्या, बट हमने एक ट्रिक लगाया। तो एक चीज समझ जाइए, दो एग्जांपल जो मैंने आपको अभी सामने दिखाया, एक तो दिखाया कि आप कैसे ऑटो सजेशन वाला पार्ट लेके आ सकते हैं और दूसरा हमने बताया आपको चार्ट ले। तो दोनों एग्जांपल बताने के लिए है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए कोई बड़ा चीज ही है, हम बड़े से बड़े काम को छोटे से चीज से भी कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा से बड़ा तोप का जो बोल्ट है एक छोटा सा रिंच से ही खुलता है। समझ गया ना सर? तो वही चीज यहाँ पे कि बड़े से गुब्बारे की हवा निकालने के लिए पिन काफी है, उसके लिए जरूरी नहीं गोली ही मारी जाए क्या? ये बिल्कुल सही सर। तो आप लोग जब काम करेंगे ऑब्वियसली जब प्रॉब्लम आती है तो आप जो है जरूरी नहीं कि बड़ा ही सोचो, कभी छोटे पे भी दिमाग लगाया करो कि यार इससे भी तो हो सकता है, क्या ऐसा कर सकता। अब देखिए अगर हम बात करें तो जूम का मतलब होता है कि इस पे क्लिक करें तो ये इसकी साइज इंक्रीज हो जाए, फिर क्लिक करें तो साइज डिक्रीज हो जाए। जूम का मतलब ये वाला जैसे यहां होता है, देख रहे हैं आप जूम ये इसको कहलाया ना सर, साइज बढ़ गया साइज कम गया क्या? लेकिन बेसिकली क्या है, इसके लिए फिर हमें VBA कमांड करना पड़ता, इस पे क्लिकिंग का इवेंट डालना पड़ता और फिर उसको जूम इन जूम आउट करवाना पड़ता, वो बहुत ही लंबी प्रोसेस था। लेकिन हमें जैसा ही तो चाहिए, तो ये उसी तरह से काम कर रहा है ना सर? सही बात है। इसलिए आप जो है हर चीज को छोटे से भी सोच सकते हैं। जैसे जैसे अभी मैं आपको फॉर्म दिखाया ऑटो सजेशन में, तो उसके लिए हम इवेंट माइको लगा दे, जैसे सेल पे क्लिक होगा वैल्यू चेंज हो जाएगी, सेल पे क्लिक आउट होगा तो वैल्यू आउट हो जाएगी। फिर मैंने सोचा कि मैं VBA प्रोग्रामिंग के बगैर नहीं कर सकता, क्योंकि VBA प्रोग्रामिंग हर काम को हम VBA प्रोग्रामिंग के जरिए कोड करके करें तो हमारी वो डिपेंडेंसी हो जाती है ना। सो हमने इस चीज को किया। अब दूसरा जो मैंने बताया कि वो पासवर्ड का करेक्टर कैसे लाया वो आपको बता, कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूं, लिखने के बाद इसका विजुअल जो है इस तरह से हो जाना चाहिए, बट एक्चुअल में रहना चाहिए 1 2 3 5 दुखिए हो। ये चीजें आपको करनी है सर, ये रिसर्च कीजिए और अगले एक घंटे में मुझे बताइए। ठीक है,